मैं हूं आशिकीन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जिला न्यायालय पर लगी लोक अदालत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायालय पर लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 1460 वाद लगाए गए। इनमें 469 वादों का निस्तारण करते हुए विद्वान न्यायाधीशों ने 12,70,000 रुपये प्रतिकर पीड़ितों को दिलाए। 50,680 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। जनपद न्यायाधीश रमाकांत मिश्र ने 3 वाद मोटर दुर्घटना के निपटाते हुए 7,70,000 रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए। अपर जनपद न्यायाधीश राज सिंह वर्मा की अदालत में 4 वाद मोटर दुर्घटना के निपटाए गए, जिसमें पीड़ित को 3,60,000 रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। अपर जनपद न्यायाधीश भगवान दयाल भारती की अदालत में 2 वाद मोटर दुर्घटना के लगाए गए, जिसमें 1 वाद का निस्तारण हुआ और पीड़ित को 1,40,000 रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। वहीं अपर जनपद न्यायाधीश परिवार न्यायाधीश द्वारा 6 पारिवारिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सिंह की अदालत में 294 वादों का निस्तारण हुआ और 33,350 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। ACJM सुभाष सिंह बघेल की अदालत में 30 वादों का निस्तारण किया गया, 8,210 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। सिविल जज CD राजेश कुमार की अदालत में 3 वादों का निस्तारण किया गया। अपर सिविल जज रजत वर्मा की अदालत में 1 वाद का निस्तारण किया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन अनिल कुमार की अदालत में 3 वादों का निस्तारण किया गया। हसनपुर धनौरा अमरोहा तहसीलों में भी लोक अदालत में वाद निपटाए गए। लोक अदालत, लोक शब्द हिंदी शब्द है और अदालत उर्दू शब्द है, जबकि न्यायालय हिंदी शब्द है, लेकिन लोक अदालत में कहीं पर आलय कोई स्थान निर्धारित नहीं है। कहने का तात्पर्य अदालत जनसामान्य की भाषा है, न्यायालय जनसामान्य की भाषा नहीं है। तो लोक अदालत अर्थात लोगों के बीच में, पीपुल माने लोग, पब्लिक माने लोग, पब्लिक के बीच में जो अदालत लगे वो लोक अदालत है। इसीलिए हम लोग भले कभी कभी हेडक्वार्टर पर, कभी कभी जनता के बीच में जाकर लोक अदालत लगाते हैं। अब लोक अदालत का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोक अदालत में बहुधा हम लोग अति सूक्ष्म प्रकृति के छोटे छोटे मामले, जिसके लिए कई वर्षों तक कचहरी में दौड़ना पड़ता है, समय जाया होता है, उन छोटे छोटे मामले को हम लोग अदालत में निस्तारित कर देते हैं। लेकिन उद्देश्य मुख्य रूप से लोक अदालत का है संधि के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से मुकदमे का निस्तारण किया जाए, क्योंकि जो मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर हो जाते हैं, चूँकि दोनों पक्ष की राजी रहते हैं, कोई विवाद वहीं समाप्त हो जाता है, इसलिए उसकी अपील या रिवीजन का प्रश्न ही नहीं उठता और प्रकरण का पटाक्षेप हो जाता है। इसके अलावा सामान्यतया मुकदमे पास पड़ोस से चलते हैं, चाहे संपत्ति का विवाद हो, चाहे आपसी मारपीट का विवाद हो, निश्चित है स्वाभाविक पास पड़ोस से ही लड़ाई होगी। तो संधि हो जाने पर आगे का विवाद उन लोगों में उत्पन्न, प्रेम भाव उत्पन्न होगा, जन सामान्य का जीवन सुचारू ढंग से चलेगा, शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी, वो दूरवर्ती लाभ होता है लोक अदालत से। अगर उसके पास अधिवक्ता नहीं है पैसा देने के लिए, तो हमारे तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ताओं का पैनल बना हुआ है, उसमें हम लोग उन्हें वकील भी मुहैया कराते हैं। आप अपने मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराइए, ताकि वह अंतिम रूप से समाधान हो। ऐसा नहीं कि दादा मुकदमा दाखिल करे और पौत्र पोता जाकर के उसके फैसले को सुने। लोक अदालत के मुकदमे हो जाने पर व्यक्ति जाके दोनों पक्ष तात्कालिक रिलीफ मिल जाती है, कचहरी के दौड़ भाग से भग जाते हैं, अपने कमाई धमाई के लिए समय दे पाते हैं। तो हम लोगों का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि लोक अदालत पब्लिक के बीच में, हम अदालत न्यायालय स्वयं पब्लिक से सीधा संवाद करती है, उनकी समस्याएँ सुनती है। 6 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे राष्ट्र भारतवर्ष में एक साथ लगाया जा रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय उसको मॉनिटर कर रही है, उनके तत्वावधान में, उनके निरीक्षण में, देख रेख में, नियंत्रण में ये लोक अदालत लग रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता के लाभ के लिए अधिक से अधिक मुकदमियों का उस दिन निस्तारण हो, ताकि एक ऐसा संदेश जाए न्यायपालिका से, जो थोड़ा कहीं आस्था उठती दिखाई दे रही न्यायपालिका में और आस्था घनिष्ठ हो। इसके लिए हम लोग न्यायिक अधिकारीगण विशेष रुचि ले रहे हैं, मीटिंग्स आहूत कर रहे हैं, अधिक से अधिक मुकदमे लगा रहे हैं और कम से कम खर्च पे जनता को न्याय, खर्च क्या बिल्कुल निःशुल्क सुलभ न्याय हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 दिसंबर 2014 को लोक अदालत लगाया गया है। और आशा है हमें कि हम इतना प्रयासरत हैं कि राष्ट्रहित में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कर सकेंगे और जनता लाभान्वित हो सकेगी, और इसमें आप लोगों का योगदान है, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये लोक अदालत के सचिव
होने के नाते आपसे अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में 6 दिसंबर 2014 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर ऑल इंडिया स्तर पर जो लोक अदालत आयोजित की जा रही है अपने वाद निस्तारित कराएं। और लोक अदालत क्या है इसकी, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। लोक अदालत सस्ता सुलभ और शीघ्र न्याय के बिंदु पर सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें आप जो है समय से आपका समय बचता है, वोट फीस आपकी वापस होती है, समय की बर्बादी नहीं होती है और दोनों पक्षों को सुनकर इसमें वही आदेश किए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं जो रेगुलर जो अदालत में होते हैं और उसका प्रभाव वही होता है जो हमारी रेगुलर अदालतें हैं वो वाद निस्तारण में कर रही हैं। तो 6 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में अपने वाद आप रखें और सुलझाएँ इसको।